Hello friends, in this lecture we will talk about a short story Bholi written by K.A. Abbas. ये कहानी सुलेखा नाम की एक लड़की के बारे में है। जब वो 10 महीने की होती है तो वो चारपाई से गिर जाती है और चारपाई से गिरने के कारण उसके सिर का एक पार्ट डैमेज हो जाता है, जिसके कारण वो बैकवर्ड चाइल्ड हो जाती है, वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं रहती, इसलिए सभी लोग उसको भोली कहते हैं। जब सुलेखा का जन्म होता है तो बहुत सुंदर होती है, लेकिन 2 साल की उम्र में उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है। स्मॉल पॉक्स के कारण उसके पूरे शरीर पर डीप डार्क मार्क्स हो जाते हैं, जिसके कारण वो अगली हो जाती है। अब सुलेखा 5 साल की उम्र में बोलना शुरू करती है, लेकिन वो नॉर्मल चाइल्ड की तरह नहीं बोल पाती, वो स्टैमर करती है। अब सुलेखा की 3 भाई और 3 बहनें होती हैं। अब उसकी जो 3 बहनें थी उनका नाम है राधा, मंगला एंड चंपा। जब कहानी स्टार्ट होती है तो राधा की मैरिज हो चुकी है और मंगला की इंगेजमेंट हुई हुई होती है। अब जो सुलेखा का जो फादर है, जिसका नाम क्या जी रामलाल है, जो वहां का गांव का नंबरदार भी है, मींस रिवेन्यू ऑफिसर्स भी है, वो सुलेखा के बारे में बड़ी टेंशन लेता है, उसके बारे में बहुत चिंतित रहता है। अब होता क्या है कि गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुलता है, तो उस प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए खुलता है और उन प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन करने के लिए एक तहसीलदार आता है। सो तहसीलदार जो एक घोड़े पे आता है वो रामलाल से बात करता है। रामलाल को कहता है कि रामलाल एक रिवेन्यू ऑफिसर है, रिवेन्यू ऑफिशियल है, तो वो एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए रामलाल को अपनी बेटियों चंपा और सुलेखा को, भोली को, मीन्स अपनी बेटियों को स्कूल में भेजना चाहिए, लड़कियों के स्कूल में, इससे वो और लोग भी गांव के प्रेरित होंगे और वो भी अपनी बेटियों को स्कूल में भेजेंगे। तो रामलाल अपनी वाइफ से बातचीत करता है। अब उसकी वाइफ ये कहती है कि अगर लड़कियां स्कूल में पढ़ेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा। नाउ रामलाल तहसीलदार की बात को इग्नोर नहीं कर सकता, तो उसकी वाइफ उसे एक प्लान बताती है। वो कहती है कि क्यों ना हम भोली को स्कूल में भेज दें, भोली, ताकि स्कूल के टीचर उसकी केयर करेंगे, उसके बारे में टेंशन लेंगे। तो वो डिसाइड करते हैं कि भोली को स्कूल में भेजने के लिए। तो रामलाल भोली का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो स्कूल चलते हैं। अब भोली डर जाती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही भोली को याद होता है कि उनके घर एक काउ थी, ओल्ड काउ, जिसका नाम था लक्ष्मी, उसको घर से बाहर ले गए थे और उसे बेच दिया था। तो भोली डर जाती है कि कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है कि रामलाल अपनी वाइफ को सजेस्ट करता है कि भोली को हम स्कूल भेज रहे हैं, तो भोली को क्या है जी अच्छे कपड़े डाले जाएं और इसको अच्छा सुंदर बना के भेजा जाए, क्योंकि अगर हम भोली को ऐसे ही भेज दें, क्योंकि जो घर वाले थे वो भोली की केयर बिल्कुल नहीं करते थे, उसके बालों को कॉम नहीं करते थे, उसको तेल नहीं लगाते थे, उसको सुंदर कपड़े नहीं डलवाते थे, उसको नहलाते नहीं थे, मींस बिल्कुल उसको इग्नोर करते थे। तो रामलाल अपनी वाइफ को सजेस्ट करता है कि हमें भोली को सुंदर कपड़ों में भेजना है, उसको ऑयल करना है, उसको नहलाना है, ताकि जो बाकी जो गांव के लोग हैं हमारा मजाक ना उड़ाएं। तो भोली को नहलाया जाता है, उसको सुंदर कपड़े डलाए जाते हैं, उसके बालों पे तेल लगाया जाता है। तो भोली को ये समझ में आ जाता है कि वो एक ऐसी जगह पे जा रही है जो घर से तो अच्छा है, तभी उसको तैयार किया जा रहा है। तो भोली को स्कूल में रामलाल लेके जाता है और वहां हेडमिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर देता है। अब हेडमिस्ट्रेस वो भोली को एक रूम में भेज देती है जहां पर एक टीचर होता है। तो भोली अपने चारों ओर देखती है तो वहां पर बहुत सारे कमरे होते हैं और बहुत सारे रूम्स में क्या होता है, बहुत सारी उसकी उम्र की लड़कियां बैठी होती हैं। तो भोली ये सोचती है कि शायद इनमें से कोई लड़की मेरी फ्रेंड बन जाए, तो ये सोचती है। अब भोली क्या देखती है कि उस क्लास में जिसमें वो भोली को बिठाया जाता है, भोली को किसी कॉर्नर में बिठा दिया जाता है। अब भोली ये देखती है कि टीचर क्या है जी पढ़ा रही है, वो बच्चों को कुछ बता रही है, लेकिन भोली को कुछ समझ में नहीं आता। इतने में भोली की नजर क्या है जी दीवार पे पड़ती है, और दीवारों पे क्या होता है, अलग अलग पिक्चर्स होते हैं, और उन पिक्चर्स के जो रंग है वो भोली को, जो कलर्स है वो भोली को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि भोली वॉल पे देखती है कि वहां एक ब्राउन कलर का हॉर्स देखती है, तो भोली सोचती है, तो याद करती है, ये तो वही कलर का हॉर्स है जिसपे तहसीलदार आया था। फिर वो एक ब्लैक गोट देखती है,
फिर वॉली ये सोचती है ये तो हमारे पड़ोसी जैसी ब्लैक गोट है, फिर वो ग्रीन पैरट देखती है, फिर वो ये कहती है ग्रीन पैरट तो वही है जो जो वो कहाँ देखती है, मैंगो ऑर्चर्ड में देखती है। तो इस प्रकार वो अलग अलग कलर देखती है और उसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करती है। जैसे ही इतने में बॉली के पास टीचर आती है और टीचर उसको कहती है कि बॉली तेरा नाम क्या है, तो बॉली डर जाती है, तो वो कोशिश करती है अपना नाम बताने की, लेकिन बॉली क्या करती है स्टैमर करती है, तो वो सिर्फ इतना ही बोलती है भो भो भो, मीन्स ही इज नॉट शी इज नॉट एबल टू स्पीक हर नेम करेक्टली। इतने में क्या होता है कि वो चिल्लाने लग जाती है, उसके आंसू निकलने लग जाते हैं, वो अपना सिर नीचे कर लेती है, वो सिर ऊपर नहीं करती क्योंकि वो ये जानती है कि उस क्लास की सारी लड़कियां अभी भी उसके ऊपर हंस रही हैं। इतने में क्लास की स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं, लेकिन भोली अभी भी कॉर्नर में बैठी है अपना हेड डाउन करके। टीचर उसके पास आती है और बड़े सॉफ्ट वॉइस में उससे बात करती है कि भोली गॉट अप खड़े हो जाओ। जो भोली से वो टीचर इतने प्यार से बात करती है कि भोली खड़ी हो जाती है और वो भोली को कहती है कि अपना नाम बताओ, वो बड़े प्यार से उससे उसका नाम पूछती है। तो भोली को ये तो समझ में आ जाता है कि अगर वो नाम नाम भी ना बता पाए तो उसकी टीचर उस पर हंसेगी नहीं। तो भोली इतने प्यार से बोलने पर एक बार दोबारा कोशिश करती है, वो फिर वहीं अटक जाती है भो भो भो, बस इतना ही बोलती है। इतने में टीचर कहती है वेल डन कैरी ऑन बताओ अपना नाम, और जब दूसरी बार भोली प्रयास करती है एफर्ट करती है तो वो अपना नाम पूरा बोल देती है भो 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 भोली। सो टीचर उसको वेल डन कहती है शाबाश, और उसको कहती है कि अगर आप रोज इस तरीके से आओगे ना तो आप कह जी अब बिना स्टैमरिंग के बोलना सीख जाओगे। इतने में भोली ऊपर देखती है जैसे कि वो पूछना चाहती हो रियली, इतने में टीचर जवाब देते हैं यस यस यस, और वो कहती है भोली को क्या तुम रोज आओगे, भोली कह जी नोड करती है। जैसे वो नोडिंग करती है तो टीचर उसको कहते हैं नहीं आप बोलो, तो भोली क्या कहती है ये यस, तो जैसे वो यस कहती है तो भोली बिल्कुल करेक्ट बोल जाती है। अब भोली को भी बड़ी हैरानी होती है कि वो उसने बिना स्टैमरिंग के उस वर्ड को बोल दिया। तब उसको टीचर उसको कहती है भोली को कि तुम अपने मन में जो डर है उसको बाहर निकाल दो, अगर आप मन में जो डर है उसको बाहर निकाल दोगे तो तुम सभी नॉर्मल चाइल्ड की तरह और चिल्ड्रन की तरह बोल पाओगे। अब क्या होता है कि अब टीचर उसको एक बुक देती है, बुक में बहुत सारे पिक्चर्स होती हैं, उसमें डॉग कैट टाइगर हॉर्स काउ सबकी पिक्चर्स होती है, और उसको कहती है कि 1 महीने में तुम ये पढ़ना सीख जाओगे, फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी किताब दूंगी, फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी किताब दूंगी, और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब तुम इस गांव की सभी लोगों की तुलना में ज्यादा शिक्षित होगे और तब तुम्हारे पे कोई नहीं हंसेगा, तुम बिना किसी स्टैमरिंग के बोल पाओगे, लोग बड़े रिस्पेक्ट के साथ तेरी बातों को सुनेंगे। तो ऐसे वो उसको इनकरेज करती है और उसको कहती है कि कल आप जल्दी आना। ऐसे क्या होता है कि टाइम जल्दी से पास होता है, कई साल बीत जाते हैं और इन कई इयर्स में चंपा की भी शादी हो जाती है और जो विलेज है वो स्मॉल टाउन में चेंज हो जाता है, प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल का हो जाता है, वहाँ सिनेमा भी आ जाता है, वहाँ एक मिल भी स्टेब्लिश हो जाती है, वहाँ एक रेलवे स्टेशन भी बन जाता है जहाँ पर रेल्स वगैरह रुकती हैं। तो एक दिन रामलाल अपनी वाइफ से बात करता है, वो अपनी वाइफ से बात करता है बॉली की शादी के बारे में, क्योंकि रामलाल के पास एक प्रपोजल आया है बिशंबर नाथ का। अब वो अपनी वाइफ से बात करता है कि बिशंबर नाथ का मैरिज प्रपोजल आया है, क्या उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसकी वाइफ कहती है क्यों नहीं, तो वो अपनी वाइफ को बताता है कि बिशंबर नाथ कह रही है एक ओल्ड लैम पर्सन है, मीन्स क्रिपल्ड भी है ओल्ड भी है। तो उसकी वाइफ कहती है फिर क्या हुआ, 45 और 50 कोई बड़ी एज नहीं होती मैन के लिए। और दूसरा वो कहती है कि बिशंबर नाथ एक दूसरे गांव से है तो इसलिए उसको ये नहीं पता कि जो भोली है वो स्टैमर करती है, वो अगली है, वो बैकवर्ड है। और दूसरा ये कहती है कि
कि वो जो विशंबर नाथ है वो कोई डाउरी की भी डिमांड नहीं कर रहा, और थर्डली वो ये बताती है कि जो विशंबर नाथ है वो बड़ा रिच आदमी है, उसकी एक बड़ी शॉप है, उसका एक बड़ा घर है और उसके कई हजार रुपए बैंक में जमा। मीन्स विशंबर नाथ इज अ रिच मैन और वेल टू डू मैन। तो वो कहती है कि हमें ये मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो रामलाल कहता है कि भोली का क्या होगा, भोली का क्या होगा, भोली से पूछ लेते हैं। वो कहते हैं भोली से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, भोली की मदर कहती है, क्योंकि वो तो एक डम ड्रिवन काऊ है, एक गूंगी गाय के बराबर है। अब जब रामलाल और उसकी वाइफ ये बातें कर रही होती हैं, तो उसी आंगन में भोली जाग रही होती है, वो उनकी बातों को सुन रही होती है। अब क्या होता है कि वो मैरिज प्रपोजल मैरिज वाला दिन हो जाता है, और विशंबर नाथ पूरे पूरे शान शौकत के साथ वहां पर गांव में आता है, पूरे पॉम्प एंड शो के साथ गांव में भोली से मैरिज करने आता है। एक सेक्रेट फायर, जो पवित्र जो आग होती है, जो अग्नि होती है, जहाँ फेरे लगाए जाते हैं, तो वहां पर विशंबर नाथ बैठ जाता है और भोली को वहां लेकर आया जाता है। सो विशंबर नाथ क्या है जी, माला पहनाने की कोशिश, माला पहनाना चाहता है भोली को। तो इतने में क्या होता है कि कोई औरत भोली का जो घूंघट है वो खींच लेती है। तो इतने में विशंबर नाथ को भोली का चेहरा दिखाई देता है। वो अपने फ्रेंड को कहता है कि तूने कुछ नोटिस किया, इस लड़की के चेहरे पे दाग हैं, पोक मार्क्स हैं। तो उसका फ्रेंड कहता है फिर क्या होगा, तू कौन सा जवान है। लेकिन विशंबर नाथ ये कहता है नहीं, वो विशंबर नाथ भोली से मैरिज करने के लिए मना कर देता है। वो भोली के पिता रामलाल के पास एक शर्त रखता है कि वो उसकी बेटी से तभी शादी करेगा जब वो उसको 5,000 रुपीज देगा। तो रामलाल कहजी अपनी पगड़ी उसके पांव पे रख देता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा मत करे, अदरवाइज उसकी जो रिस्पेक्ट है, जो ऑनर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन विशंबर नाथ नहीं सुनता, वो कहता मुझे तो 5,000 रुपीज चाहिए। रामलाल उसको 2,000 रुपीज ऑफर करता है, विशंबर नाथ कहता नहीं, मुझे तो 5,000 रुपीज चाहिए, अदरवाइज मैं भोली से शादी नहीं करूंगा नहीं करूंगा। तो विशंबर नाथ अंदर जाता है और वो 5,000 रुपीज लेकर आता है और उसको दे देता है। तो विशंबर नाथ ऐसा खुश होता है जैसे कि उसने कोई बैटल जीत लिया हो। अब विशंबर नाथ कह जी जैसे ही माला पहनाने की कोशिश करता है, घूंघट फिर थोड़ा सा उठता है, लेकिन अब जो भोली होती है वो उसका सिर नीचे नहीं होता, बल्कि सीधा, वो सीधा अपने होने वाले प्रोस्पेक्टिव वुड बी हस्बैंड को देख रही होती है और उसकी माला को वो पुश करती है और माला कहती आग में जाकर गिरती है। और तब भोली विशंबर नाथ को ये कहती है कि मैं इससे शादी नहीं करनी चाहती, मैं तेरे से शादी नहीं करना चाहती हूँ। अब सब हैरान हो जाते हैं। तो उसका फादर भी कहता है भी तू क्यों नहीं शादी करना चाहती। वो कहती है कि मैं इस ग्रीडी आदमी के साथ, इस हार्टलेस क्रीचर के साथ शादी नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहती हूँ। तो इतने में क्या होता है कि आवाजें आ जाती हैं कि अगली शेमलेस शेमलेस अगली वुमेन। तो काउ डम ड्रिवन काउ, तो ऐसे कुछ वहां पे बातें होने लग जाती हैं। तो एक ओल्ड वुमेन होती है, कहते हम तो इसको काउ डम ड्रिवन काउ समझते थे और आज देखो ये बात कर रही है। अब जब वो डायरेक्टली जब बोलती है बिना किसी स्टैमरिंग के, जब विशंबर नाथ को बोलती है और अपने पिताजी को भी एड्रेस करती है पिताजी, तो सारे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो ये सोचते थे कि ये स्टैमरिंग करती है, लेकिन वो बिल्कुल स्टैमरिंग नहीं करती। इसलिए उसकी मदर फादर, उसके जो ब्रदर्स, उसके सिस्टर्स, उसके रिलेटिव्स, नेबर्स सब हैरान हो जाते हैं। और फिर वो अपने पिताजी को कहते हैं कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती, इस ग्रीडी क्रीचर के साथ मैं शादी नहीं करना चाहती। तो एक ओल्ड वुमन होती है, देखो जो कल की एक डम ड्रिवन काउ थी वो आज देखो कैसे बोल रही है। वो कहती है हाँ बिल्कुल बोल रही हूँ, और कुछ सुनना है। इतने में क्या होता है कि विशंबर नाथ और उसकी जो उसके साथ जो भी बाराती होती हैं वो वहां से चले जाते हैं और मैरिज नहीं होती। तो जो रामलाल होता है, सुलेखा का जो फादर होता है, वो बड़ा वरीड होता है। वो ये कहता है कि अब क्या होगा, अब तो तेरे से कोई भी शादी नहीं करेगा। तो सुलेखा अपने फादर को कहती है कि फिर क्या हो गया, कोई शादी नहीं करेगा तो मैं जब तुम बूढ़े हो जाओगे
अपनी मम्मी मीन्स अपनी मदर और अपने फादर को कहती है कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वहीं उसकी मैडम भी खड़ी होती है, तो वो मैडम को कहती है एम आई राइट, तो मैम कहती है ऑफ कोर्स डेफिनेटली यू आर राइट। जैसे मैडम ये कहती है तो मैडम की आंखों में एक अलग तरह की स्माइल होती है, मींस उसकी मैडम की आंखों में एक तरह की सेटिस्फेक्शन होती है। ये सेटिस्फेक्शन एक ऐसा आर्टिस्ट समझ सकता है जिसने कोई मास्टरपीस कंप्लीट की हो। तो उसकी मैडम की आंखों में क्यों स्माइल होती है, क्योंकि उसकी मैम ने उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया है। जैसे वो भोली थे, भोली से अब उसने उसको क्या बना दिया है, एक कॉन्फिडेंट वूमेन बना दिया है। और इसी के साथ हमारी जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। अब इस कहानी की क्या थीम्स हैं, इस कहानी की बहुत सारी थीम्स हैं। पहला जो मोरल लेसन और जो थीम है इस कहानी का वो है एजुकेशन। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि एजुकेशन एक पावरफुल वेपन है। अगर सभी लड़कियों को एजुकेशन दी जाती है तो वो अपनी राइट्स के बारे में अवेयर होती हैं। जो विमेन है, जो गर्ल्स हैं, वो ये डिफ्रेंशिएट कर पाती हैं व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। वो अपने राइट्स के बारे में बोलती हैं। जैसा कि इस कहानी में होता है कि सुलेखा को एजुकेशन मिलती है तो वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर होती है, इसलिए वो विशंबर नाथ नाम जैसे लालची व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर देती है। दूसरी इसमें जो थीम है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत अधिक दिखाया गया है। जैसा कि इस कहानी में जो रामलाल और उसकी जो वाइफ है वो अपने बेटों को तो सिटी में भेजते हैं पढ़ने के लिए, फिर उनको कॉलेज में भी भेजते हैं, लेकिन वो अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हमें इसमें देखने को मिलता है। जो थर्ड थीम हमें इस शॉर्ट स्टोरी में देखने को मिलती है वो है डाउरी सिस्टम। ये कहानी एक डाउरी सिस्टम पर भी अटैक है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे कि इस कहानी में भी है कि वो रामलाल मीन्स सुलेखा की मदर और फादर क्यों एग्री हो जाते हैं, वो इसलिए भी एग्री हो जाते हैं सुलेखा की शादी विशंबर नाथ से करने के लिए, क्योंकि विशंबर नाथ कोई डाउरी डिमांड नहीं कर रहा। तो एक डाउरी सिस्टम भी पर भी अटैक है कि डाउरी सिस्टम के कारण जो पेरेंट्स हैं वो बड़े मजबूर भी हो जाते हैं। जैसा कि इस कहानी में भी हुआ कि अब वो 2 5,000 वो डिमांड करता है, 5,000 रुपीज वो डिमांड करता है, तो उसके पेरेंट्स बड़े ह्यूमिलिएट होते हैं। तो एक डाउरी सिस्टम पर भी अटैक है कि जो डाउरी सिस्टम है इट शुड बी अबॉलिश्ड, इसको खत्म किया जाना चाहिए, तभी जो गर्ल्स हैं वो पूरे रिस्पेक्ट के साथ और तभी जो पेरेंट्स हैं वो अपनी गर्ल्स को अडॉप्ट करेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि आजकल यही देखने को मिलता है कि पेरेंट्स जब भी कोई गर्ल आती है तो वो बड़े वरी हो जाते हैं कि इसकी शादी पे हमें इतना कुछ लगाना पड़ेगा। तो एक डाउरी सिस्टम पर भी अटैक है। और सबसे बढ़िया जो नेक्स्ट जो थीम हमें इसमें देखने को मिलती है वो है इल ट्रीटमेंट टू मेंटली रिटार्डेड पर्सन। और ये जो इल ट्रीटमेंट है वो हमें भोली को देखने को मिलती है कि भोली के केस में उसके जो पेरेंट्स हैं उसकी बिल्कुल केयर नहीं करते, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उससे कभी प्यार से बात नहीं करते, हमेशा उससे रूडली और हार्शली बात करते हैं, इसलिए बोली इतनी इम्प्रूव नहीं हो पाती। लेकिन जब उसे टीचर नामक एक बड़ा सॉफ्ट स्पोकन पर्सन मिलता है तो वो कैसे उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है और वो एक कंप्लीटली अ न्यू गर्ल के रूप में सामने आती है। तो एक थीम ये भी बताई गई है कि अगर जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन है अगर उनके साथ बड़े प्यार से बड़े केयर से अगर उनको ट्रीट किया जाए तो वो भी नॉर्मल पर्सन की तरह बन सकते हैं, नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव कर सकते हैं और वो भी अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ थीम्स हैं, कुछ मॉरल लेसन्स हैं जो एक छोटी सी कहानी हमें कन्वे करती है। तो आई होप दैट यू वुड लाइक दिस समरी, द मेन पॉइंट दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। So if you like this short story and if you like my lecture, so don't forget to download my app Oxbridge English from Play Store and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching the lecture.